मैं खेल रही हूँ 6 साल से और मेरी ईयर है 9। मेरे को सबसे अच्छा लगती है बैटिंग क्योंकि मैं बैट्समैन बनना चाहती हूँ। मैं इंडिया के लिए खेलना चाहूँगी। स्कूल से आके मैं 1 घंटा सोती हूँ, उसके बाद 4 बजे से लेकर 8 बजे तक खेलती हूँ। सुबह के 7 बजे से लेकर 12 बजे तक खेलती हूँ और घर पे जाके फिर सो जाती हूँ, उसके बाद 4 बजे से लेकर 8 बजे। हमारी टीम में ही डेब्यू कराना है उसको फर्स्ट टाइम पे, क्योंकि हमारे समाज में लड़कियां खेलती नहीं है, क्योंकि कोई सीखता ही नहीं है, तो ये सीखेगी तो हम हमारी टीम से उसका डेब्यू करवाएंगे तो पूरा समाज को अच्छा लगेगा, लड़की खेल रही है बहुत अच्छा है। हमारा सपना है कि हमारी लड़की हमारे देश के लिए खेले, ये हमारे लिए गर्व की बात है। तो राजस्थान में लड़कियों का लड़कों का कोई इतना क्रिकेट में नहीं है। अभी हमारे गांव से मेरी लड़की के लिए ही हमने थोड़ा प्रयास किया है, कर रहे हैं। और हम भी इतने ग्रामीण हैं इसलिए इतने जागरूक नहीं है, फिर भी हमने क्रिकेट देखा और सोचा कि नहीं, लड़की को भेजना चाहिए। इतना कॉन्फिडेंट मैं भी हूँ और इसको भी इतना कॉन्फिडेंट कर दूंगा कि अपनी इंडिया टीम में श्योरली खेलेगी। मैं भी एक अच्छा प्लेयर रहा हूँ। गुरु गोविंद कॉलेज बांसवाड़ा, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट का बड़ा कॉलेज है, वहाँ से मैं 4 साल खेला हुआ हूँ। तो वो जो मेरा लक्ष्य था क्रिकेटर बनने का, ठीक, तो वो फैमिली लाइफ में की वजह से मैं ज़्यादा बिल्ड नहीं कर पाया। उसके बाद जो इंडियन क्रिकेट, जो वुमेन्स क्रिकेट है, उसको अभी जो 2015-16-14 के बाद से ज़्यादा मान्यता मिली है या ज़्यादा पॉपुलरिटी मिली है, तो उसकी वजह से मुझे लगा कि मेरे गेम को आगे बढ़ाना चाहिए। और एज ए 2015 के मार्च 30 को बच्ची पैदा हुई। ये होने के बाद मुझे वेट करना था 7 साल, 7.5 साल का। तो 7-7.5 साल की हुई, इसकी ट्रेनिंग करवा दी। लगभग हम अभी लगभग 14 महीने से रनिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। और इसको प्रैक्टिस करवाने के साथ साथ मुझे भी ट्रेन होना पड़ेगा, तो मैं भी एक्सरसाइज करता रहता हूँ, जैसे टूर्नामेंट्स वगैरह खेलता रहता हूँ, मैं खुद प्रैक्टिस करता हूँ। चाहे किस्मत कहो, भाग्य कहो या जो भी कहो, लेफ्टी निकली है, राइटी नहीं। और लेफ्टी का कॉम्बिनेशन आपने देखा है, शानदार प्लेइंग है। थोड़ा सा इसको ट्रेनिंग करवाने के लिए स्ट्रिक्ट तो होना पड़ता है, एज ए फादर नहीं होना चाहिए इतना स्ट्रिक्ट, पर मैं स्ट्रिक्ट बिहेवियर करता हूँ इसके साथ, जिसमें हो सकता है कभी एकाती लपड़ पड़ जाए, या फिर हो सकता है कभी ज़्यादा ऊंची आवाज़ में भी बात करनी पड़े। और एज ए फादर अपने बच्चे को बिल्ड करने के लिए स्ट्रॉन्ग तो रहना पड़े, तो यह सब चीज़ करता हूँ। रही बात, इसका गेम बहुत इम्प्रूव हुआ है और मेहनत कर रहे हैं और इम्प्रूव करवा रहे हैं। और रही बात, इसको डाइट में भी बहुत अच्छा खासा है, जैसे हफ्ते भर में 4 बार अंडे शेयर हो जाते हैं, कुछ चीज़ें मांसाहारी भी हैं जैसे मैं भी खाता हूँ, तो इसको मांसाहारी खिलाते हैं। उसके बाद शाम को सोने के बाद जो हड्डियाँ मजबूत होती है, इसके लिए 1.5 गिलास दूध होता है, वो पिलाते हैं। उसके बाद जैसे सलाद में, जैसे गाजर है, उसके बाद ककड़ी है, तो ये सलाद में इसको खिलाते भी हैं। तो एक परिपक्व क्रिकेटर बनने के लिए जो इसको आवश्यकता पड़ती है वो चीज़ करा। और रही बात आने वाला समय कैसा रहेगा, किस तरह से रहेगा, ये तो मुझे नहीं पता है, पर इतना एक फादर के नाते और एक अच्छे स्पोर्ट्समैन के नाते मैं इतना श्योर कह सकता हूँ कि इसको अपनी इंडिया टीम में